आई एम ऑल सेट फॉर डे टू, बट मुझे बाहर दिख रहा है लिटरली बारिश गिरी है अभी। मुझे नहीं पता मैं कैसे अपना दिन प्लान करने वाली हूँ, बट एनीवेज मैं छतरी ली है, सो आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अभी के लिए तो मैं सबसे पहले शैंकलिन बीच जाऊंगी। मैंने ना आज बहुत ही क्यूट सी आउटफिट पहनी है, यू गाइस कुड सी, बहुत प्यारे प्यारे से डेंटी नेक पीस एंड डेंटी चार्म्स भी मैंने ऐड किए हैं। एंड मेरे एक फॉलोअर ने ना रिक्वेस्ट किया था कि दे वांट मी टू सी इन पिगटेल, सो ऑफ कोर्स आई हैव डन दैट टू, बिकॉज यार मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करना है। एंड मेरा जो स्टे था वो शैंकलिन के पास में ही था, सो ऑफ कोर्स बीच यहाँ से मुझे लिटरली 2 मिनट पे है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हिट द बीच। एंड बहुत सारे सुंदर सुंदर से पिक्चर्स जरूर आएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, माई इंस्टाग्राम हैंडल गोज विद माई नेम pooja_pera। सो या अभी फटाक से सारी ये जो मेस क्रिएट की है मैंने अपने होटल में वो सब क्लियर कर लेते, बिकॉज 10:30 मुझे चेकआउट करना है ये होटल से। नहीं, सो दिस इज़ माई क्यूट लिटिल ओ टी डी। आई वोर दिस ब्यूटिफुल फ्लॉरल टॉप अलॉन्ग विद अ पोप्टी ग्रीन स्कर्ट, माई ऑब्सेशन फॉर इट विल नेवर एंड। एंड हियर इज़ माई रूम टॉर, सिंगल बेड था एंड बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ओवरऑल बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी थी एंड सोलो ट्रैवलर्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि बेस्ट थी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा चीप थी। एंड ऑफकोर्स लोकेशन डिटेल्स मैं स्क्रीन पर आपके लोगों के लिए दे दूँगी। एंड सोलो ट्रैवलर्स के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये शैंकलिन बीच से भी काफ़ी ज़्यादा पास में था। एंड या दैट्स इट फॉर माई रूम टूर। मेरा जो व्यू है वो इतना ज़्यादा सुंदर है, ओह माय गॉड। अभी तक तो मैं पहुँची भी नहीं हूँ, इट्स गोइंग टू टेक मी लाइक अराउंड 5 मिनट्स एंड आई विल बी ऑन द बीच, बट लुक एट दिस व्यू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा ऐसा रेनी टाइप लग रहा है। आई एम जस्ट होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि मैं जब जाऊँ तब बारिश ना गिरे। कितनी मतलबी हूँ, है ना, बट या तो जैसे कि आप लोग शैंकलिन पहुँचने वाले रहोगे, उसी रास्ते में लिटरली यू विल स्पॉट मल्टीपल अम्यूजमेंट फन राइड जो आपको वीडियो में आगे दिखेगी। सो आई गेस फैमिली डे आउट के लिए ये जगह एकदम मस्ट विजिट है। जिनको गोल्फ खेलना पसंद है ना, उनको तो ये जगह जन्नत से कम नहीं लगेगी। वेल आई एम क्लूलेस, यहाँ पे जहाँ भी मैं जाऊँ यार डायनासोर थीम ही सारी जगह है, सो आई हैव नो क्लू यार ऐसा क्यों है। सो दिस इज द जुरासिक बे पिरेट्स कर्व। फिलहाल ये राइड्स तो मॉर्निंग को चालू नहीं हुई थी, आई एम अज्यूमिंग 12 बजे के बाद ये कुछ स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी कैप्टन जैक के फैन है ना, उनको तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड या सो मैंने सोचा कि यार ये थोड़े बहुत क्लिप्स मैं ले लूँ, बिकॉज प्रोबेबली जो लोग इन सब चीज़ों के फ़ैन है वुड लाइक टू कम एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। सो ये रहा शैंकलिन बीच। आई हैव सीन सो मैनी पीपल कमिंग हियर एंड जॉगिंग फॉर अ वाइल, एंड यार मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फैमिली अम्यूजमेंट के साथ ना खाने पीने की भी अच्छी खासी चीज़ें आसपास में है, लाइक बहुत सारे कैफेज, आइसक्रीम पार्लर्स भी है। सो आई थिंक यार सेट है। मैं यहाँ पे आई तभी बहुत क्लाउडी वेदर था एंड मैंने तो बस यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। शैंकलिन बीच आइल ऑफ वाइट का एकदम बेस्ट बीच है, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे गोल्डन सैंड जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना आसपास में विलेज टाइप का भी माहौल बना हुआ है। सी फ्रंट पे अगर आप ऐसे बैठ के एंजॉय करो तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक ये प्लेस भी आप एक फैमिली बीच हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए बकेट लिस्ट कर सकते हो, बिकॉज द व्यू इज रियली नाइस। काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे बिताया। ऑल्सो शैंकलिन बीच से शैंकलिन चाइन भी बहुत पास में है, मुझे लिटरली यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वॉकिंग डिस्टेंस फॉर मी। इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक अ जंगल एंड वहाँ पे वाटरफॉल भी है,
बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दैट एज वेल. अभी हम फटाक से भागते हैं चैंगलिन चाइन में एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड इट. As soon as you enter this, you'll see something like this. This is basically an assembly point where you'll see a lot of photographs of Isle of Wight clicked by a lot of photographers. And yeah, this kind of a terrace where you can enjoy the entire view right here. And yeah, I'm gonna sit here for a while and then we are going to head to this particular trail. Oh my goodness, that's so exciting. What's your favorite dinosaur? Do you have a favorite dinosaur? Did you know the blue is a velociraptor? There we go. Oh, a tickle under the chin. Oh, Kevin. Well, I want to put your fingers in her mouth. That's right. Blue's normally very gentle, but if she gets a bit ticklish, she might snap by accident. We don't want that to happen. शैंकलिन चाइन काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है इन द टाउन ऑफ शैंकलिन. नाउ इफ यू आर वंडरिंग ये इतना फेमस क्यों है, जिन लोगों को जंगल ट्रेल एंड नेचर के साथ वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगता है, दे विल लव दिस प्लेस एज दिस प्लेस इज सराउंडेड विद ट्रीज एंड लश वेजिटेशन विद फुटपाथ्स एंड वॉकवेज. दिस इज अ पेड हेरिटेज सेंटर एक्सप्लेनिंग इट्स हिस्ट्री. एंड आगे आगे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे. इतना ही नहीं, यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाटर रिजर्वॉयर्स भी देख सकते हो. एंड जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे आपको बहुत सारे हसीन स्पॉट्स देखने को मिलेंगे. एंड यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी कार्विंग्स भी देखने को मिली. जगह जगह ना मुझे ऐसे डायनासोर के अंडे बहुत दिख रहे हैं. एंड बहुत ज़्यादा स्लिपरी सरफेस रहने वाला है, सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस. ये रहा और एक डायनासोर का अंडा अलोंग विद डायनासोर. बाय द वे इसकी मुझे एक एडमिशन टिकट भी लगी है. 864 हुआ है उसका अमाउंट, लाइक 8 pounds 64 pence. आगे पता नहीं चल रहा है कि आगे है क्या. थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज ये बहुत ही जंगल टाइप का एरिया है. पता नहीं कहीं से सांप बिच्छू कुछ निकल जाए तो फिर क्या होगा. यहाँ ऑफकोर्स मैं वाटरफॉल देखने आई थी बिकॉज यार यहाँ के वाटरफॉल के बारे में मैंने काफ़ी अच्छा सुना था. एंड ऑफकोर्स वाटरफॉल देखे तो ज़माना हो गया यार. इंडिया में जगह जगह वाटरफॉल दिख जाते थे बट यहाँ पे इट्स बीन अ टास्क. बट फाइनली थोड़ा बहुत चलने के बाद ना यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग सीनिक व्यूज ऑफ वाटरफॉल जस्ट लाइक दिस. काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा वाटरफॉल था एंड धबधबे की आवाज़ ना बहुत ज़्यादा सुरीली थी. मैंने यहाँ पे कुछ एक 5-10 मिनट बिताया एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा टू बी फ्रैंक. सो इफ़ यू गाइस आस्क मी इफ दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग, आई वुड से यार इतना नहीं. अगर आप शैंकलिन के आसपास हो तो डेफिनेटली आप ये प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो. बट यार ऐसे एक्सटर्नली ये जगह एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई मीन इट्स क्वाइट ऑर्डिनरी. यार आई जस्ट नाउ रियलाइज कि जो भी लोकेशन मुझे एक्सप्लोर करने थे वो क्लोज हो चुके हैं. बिकॉज ना मेरा होटल चेक इन था सेकेंड होटल में, सो उसी गड़बड़ में ना आई डिडंट रियलाइज कि कितना टाइम हो गया है. एंड आज का दिन प्रोबेबली वुड बी वेस्ट. अभी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती. प्रोबेबली आई माइट गो फॉर अ कैफे हॉपिंग हियर. बट मेरे को बहुत दुख हो रहा है बिकॉज मुझे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था वो देखना था. प्रोबेबली वी आर गोना सी इट टुमारो. बुरा लग रहा है, कल बहुत भाग भाग के सब चीज़ें करनी पड़ेगी बट कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग में अपना सूजा हुआ मुंह लेके भाग पड़ी गॉडशिल मॉडल विलेज एक्सप्लोर करने के लिए. शैंकलिन से ना बसेस रेडीली अवेलेबल थी ये विलेज तक पहुंचने के लिए. एंड कुछ बस स्टॉप से 3 मिनट्स का वॉकिंग था एंड मैं पहुंच गई गॉडशिल मॉडल विलेज. नाउ इसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज ऑफकोर्स मुझे ना ऐसे मिनिएचर टाइप के चीज़ें ना देखने को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. Enjoy your visit. Thank you. मैं कहीं भी जाऊं बस बारिश ही होती रहती है यार.
बट दिस प्लेस इज सो प्रिटी. लेट मी जस्ट कवर इट क्विकली फॉर यू गाइज. ओके गाइज, बिफोर यू गाइज थिंक ऑफ विजिटिंग दिस प्लेस, आई वुड गिव यू गाइज अ लिटिल बिट ब्रीफ. आपको ये लोकेशन पे ना स्ट्रिक्टली 9 से 4 के बीच में आप यहाँ आ सकते हो गाइज. नो, मेरा एक डे ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस टाइमिंग्स. सो आप लोग जब भी आपका ट्रिप प्लान करो तो ये डेफिनेटली फॉलो करना. एंड जब भी आप गॉडशिल में आओ तो आप बहुत सारा आर्किटेक्चरल व्यू देख सकते हो पूरे एंटायर टाउन का. एंड कितना सुंदर सा क्यूट मिनिएचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. नाउ यू गाइज आर वंडरिंग कि ये मॉडल विलेज इतना फेमस क्यों है. आई डोंट नो कितने लोग क्यूरियस है कि नहीं, बट मैं तो बड़ी क्यूरियस थी टू नो व्हाई ये जगह का नाम इतना गॉडशिल ऐसा रखा था. सो काम ना रीस्टार्ट हुआ था फर्स्ट टू मॉर्निंग्स पे, बट थर्ड डे पे ऐसा अज्यूम किया था कि गॉड ही चाहता था कि यहाँ पे एक चर्च बिल्ड हो, वो भी हिल के ऊपर, तो इसीलिए ये जगह का नाम पड़ गया. ऑल्सो फोर्ट फार्म जो है इसके पास में, वहाँ पे आइल ऑफ वाइट का फेस्टिवल भी होता है, तो आप वो भी देख सकते हो. आई मीन यू गाइज नीड टू चेक जब आप प्लान कर रहे हो तभी फेस्टिवल्स हो रही है या नहीं. ये जो मॉडल विलेज है कि 1/10 स्केल वर्जन है गॉडशिल के विलेज का, एंड ऑफकोर्स शैंकलिन ओल्ड विलेज और चाइन का भी. तो ये काफ़ी पुराना सा टूरिस्ट एरिया है आइल ऑफ वाइट का. यहाँ पे आप बहुत सारे से छोटे छोटे घर, कॉटेजेस, चर्चेस, पब्स देख सकते हो. गॉडशिल मॉडल विलेज देखने के लिए टिकट फेयर है अडल्ट के लिए 7 pounds, सो मेक अ नोट ऑफ दैट. एंड यहाँ पे ना आपको बहुत सारा ऐसा ग्रीनरी गार्डन टाइप देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पे गार्डन रेलवे मस्ट विजिट प्लेस है. यहाँ पे आप बहुत क्यूट सा ऐसा ट्रेन ऐसे यू नो बहुत सारे एनिमल्स को लेते हुए जाते हुए देखोगे. मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा एंड आई थिंक मेरा आइल ऑफ वाइट का जो ट्रिप है सक्सेसफुल हो गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस. मतलब नीडल्स तो बहुत अच्छा था ही था डेफिनेटली, उसका आप वीडियो देख सकते हो Part 1, जो डेफिनेटली मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड या इसकी खूबसूरती के बारे में क्या ही मैं बताऊँ. मतलब आप आगे आगे वीडियो देख लो एंड यू गाइज कैन डिसाइड इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड योर ट्रिप फॉर Day 2 एज वेल और नॉट, बिकॉज मुझे तो ये प्लेस एकदम वर्थ इट लगी. एंड फुल पैसा वसूल तो डेफिनेटली है बिकॉज इतनी ज़्यादा खूबसूरत है. मेरा तो सारा मूड ऑफ हो गया था बिकॉज जिस दिन मैं आई थी उस दिन इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना, मुझे ठीक से ये मॉडल विलेज एक्सप्लोर करने भी नहीं मिला बिकॉज यू नो जल्दी जल्दी मुझे भागना पड़ रहा था बिकॉज बारिश ही इतने ज़्यादा हो रहा था और मेरा छाता कुछ साथ तो नहीं दे रहा था. उसके बाद पास ही के कैफे में ना मैंने खाई ये पिज्ज़ा एंड इट वॉज क्वाइट डिसेंट, बट यार ऑफकोर्स ओवर प्राइस तो है. सो यार देख लेना आप अपना मेन्यू कार्ड एंड डिसाइड कर लो यार, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा था. So of course I would definitely ask you guys to visit this cafe too अगर भूख लगी हो तो. and अभी जाने का time आ चुका था, so मैंने शैंकलिन से ride के लिए एक bus ली and उसके बाद ride से मेरी ये hover trial के through island flyer थी. now this will take me to Portsmouth, so कुछ 10 minutes लगे and मैं Portsmouth पहुँच गई. Portsmouth से मेरी actual bus थी for London. commute करने के लिए I made use of National Express to make all the bookings ये travelling का return के वक्त का. so yeah that is it for today's vlog. I hope आपको ये Isle of Wight का Day 1 and Day 2 वाला part काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो. in case you're planning to visit Isle of Wight, do let me know in the comments down. and also if you guys have any questions related to Isle of Wight tour, make sure you guys connect with me on Instagram. I would be more than happy to resolve your queries. see you soon. bye.